राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका संतोष क्रिएटिव गार्डन में। ये देखिए, एक मैंने छोटे से एक बोतल से जो प्लांटर बना रखा है उसमें मैंने जेड प्लांट लगाया है, ये देखिए। और ये हैंगिंग है, इसको हैंग करके रख रखा है मैंने इसे, और ये काफ़ी खूबसूरत लगता है इसे हैंग किया हुआ। और जेड प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसको आप छोटे बड़े किसी भी जो पोट में है वो इजीली लगा सकते हैं। इसकी छोटी से छोटी कटिंग भी चल जाती है और ये एक जो हैंग हुआ हुआ भी काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो ये देखिए, ये दो प्लांटर जो छोटे हैं इसी तरीके के, इनमें आज हम यही जेड प्लांट की जो है लगाएंगे और कुछ हैंगिंग बनाएंगे। तो ये देखिए, ये एक्चुअल में ये मैंने कुछ मेरी कटिंग्स थी जो मैंने मिट्टी में लगा रखी थी, या किसी भी मैं पोट में डाल देती हूँ जब छोटे कटिंग करती हूँ इनकी, तो छोटे छोटे जो कटिंग्स होती है वो डाल देती हूँ ताकि उससे नए ये जो प्लांट्स हैं वो बन जाते हैं। और बहुत जल्दी ही देखिए इनकी जो रूट्स है वो डेवलप हो जाती है। तो ये एक ईजी टू ग्रो प्लांट है और अभी तो मौसम भी बहुत ऐसा है कि आप आराम से इसको लगा सकते हो। तो मैं इन कटिंग्स को इसमें लगाती हूँ। इसके लिए मैंने एक वेलड्रन सॉइल तैयार की है जिसमें मैंने एक हिस्सा खाद, एक हिस्सा बजरी और एक हिस्सा जो गार्डन सॉइल का है वो लिया है। और ये एक बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है इसके लिए। वैसे जेड प्लांट को कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, आप उसको ईजी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। तो देखिए, अब आइए लगाते हैं। तो पहले मैं इसमें, ये देखिए, एक में मैं छोटी कटिंग्स लगाऊंगी और एक में मैं थोड़ी बड़ी कटिंग्स लगाऊंगी। तो चलिए लगाते हैं इसको, देखते हैं। ये देखिए, मैंने इसमें एक में ये लगा दी है। मैंने जो दो छोटी कटिंग्स मेरी थी जो रूट्स सबकी बनी हुई है इनकी, और दो मैंने इसमें बड़ी लगाई है। तो जब ये इसी की तरह, ये देखिए, ये जब हैंग करेगी, एक्चुअल में मैंने इसको कट नहीं किया है, जैसे भी इसका शेप बन रहा है मैंने बनने दिया है। और ये काफ़ी, मतलब मुझे खूबसूरत लगता है। मैंने अपनी जो विंडो है उसकी जो रेलिंग है बाहर की तरफ जो ग्रिल होती है उन पर इनको हैंग कर रखा था और ये काफ़ी खूबसूरत लुक देता है। तो इसी तरह मैंने इसमें दो बड़ी और दो छोटी कटिंग्स लगाई है। अब जो ये एक कटिंग है मेरे पास में, ये देखिए, ये काफ़ी बड़ी है और मैं इसको इसमें सिर्फ एक ही लगाऊंगी ताकि ये काफ़ी खूबसूरत लगे और सुंदर सा लगे। तो चलिए इसको भी लगा देते हैं। ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसमें ये लगा दिया है और ये एक ही, देखिए, काफ़ी घना सा कुछ लग रहा है। अब इस तरीके की जो कटिंग्स होती हैं, जो कि इस तरह ये चल रही हैं, इसको आप अगर लंबे टाइम तक ग्रो करते हैं तो इसका जो ये स्टेम होता है ये धीरे 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 अपनी मोटाई लेने लगता है और आप इससे एक बोनसाई रेडी कर सकते हैं। तो तब तक के लिए, क्योंकि इसका जो शेप है, जैसे ब्रांचेज जा रही हैं, आप इसको ऊपर से कट करके एक ट्री का शेप दे सकते हैं, आप इससे एक अलग शेप में बोनसाई भी रेडी कर सकते हैं। वो आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि आप उससे क्या करें। तो तब तक के लिए, हालांकि ये थोड़ा स्लो ग्रोइंग होता है, आराम से इजीली थोड़ा इसको टाइम लगता है ये थोड़ा ग्रो होने में, इसकी मोटाई लेने में, लेकिन आप इस तरह छोटे छोटे प्लांटर्स में लगा के रख लीजिए और जैसे जैसे इनका शेप डेवलप होता जाता है, इनकी मोटाई बढ़ती जाती है, आप इसको एक बोनसाई के रूप में डेवलप कर सकते हैं। और इसको ज़्यादा, अब हम पानी पिला देते हैं इसको एक बार अच्छे से। इसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है, और चूँकि अभी तो मानसून का सीज़न एक्चुअल में हमारे यहाँ तो नहीं आया है अभी बारिश, लेकिन जैसे जैसे आएगी तो अभी ये बहुत ईजीली लगेगा और बहुत ही कम देखभाल में चलने वाला है। बस आप इसको कभी कभी कंपोस्ट लिक्विड दे दीजिए, इससे भी ये बहुत ही ग्रीन और बहुत ही प्यारा रहेगा। पानी इसको कम पिलाइए। अब मैं इसको 2 से 3 दिन के लिए थोड़ा छाया वाली जगह रखूंगी और उसके बाद में इसको फुल सनलाइट दीजिए। उससे जो जेड प्लांट है ये बहुत ही अच्छा ग्रो करेगा, ग्रीन रहेगा और बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे जो वेस्ट मटेरियल आपके पास में बॉटल्स पड़ी हो या छोटे प्लांटर, आप कप्स जो टूट जाते हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं और उनमें ये सब लगा सकते हैं। तो अगर आपको लगता है आपको ये खूबसूरत लगे हैं तो आप भी इस तरह लगाइए और ट्राई कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।